ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश, राष्ट्रपति वित्त मंत्री लापता। अजरबैजान से लौटते समय हुआ हादसा, बारिश कोहरे के कारण रेस्क्यू में मुश्किलें। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पिछले कई घंटों से लापता हैं। उनका हेलीकॉप्टर रविवार यानी 19 मई को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीरुद्दलाहियन भी सवार थे। ईरान के स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान के वर्जेघन शहर में क्रैश हुआ, जो अजरबैजान की सीमा के बेहद करीब है। घटना उस समय हुई जब रईसी अजरबैजान की सीमा पर बने बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। ईरान के गृह मंत्री ने बताया कि हादसे के बाद से राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से कोई संपर्क नहीं हो सका है। हालांकि कार्यकारी मामलों के लिए राष्ट्रपति के डिप्टी मोहसिन मंसूरी ने बताया कि रईसी के हेलीकॉप्टर के अधिकारियों में से एक और क्रू मेंबर के एक सदस्य ने हादसे के बाद संपर्क किया था। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रही है। IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में कोहरे, बारिश और ठंड की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना लगभग असंभव है। हालांकि सड़क के रास्ते 20 से 40 टीमों को घटनास्थल की तरफ रवाना किया गया है। इनमें ईरान की स्पेशल फोर्सेज IRGC के सदस्य समेत रेंजर्स शामिल हैं। इनके पास छानबीन के लिए ड्रोन्स और सर्च डॉग्स भी मौजूद हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जारी मैसेज में कहा, ईरान के राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर से मैं चिंतित हूँ। मैं उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हम इस मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ हैं। रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे। राष्ट्रपति रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से 2 पर मंत्री और अधिकारी सवार थे। दरअसल रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। आरास नदी पर बना यह 3रा बांध है, जिसे दोनों देशों ने मिलकर बनाया है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वहां कोहरा है। इस कारण रेस्क्यू टीम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हादसा जहां हुआ वह जंगली इलाका है। ईरान के मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा, खराब मौसम और कोहरे के कारण रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में समय लग सकता है। यह क्षेत्र थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है और संपर्क करना मुश्किल है। ईरान के उपराष्ट्रपति तबरीज भी घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए हैं। वहीं सरकार के प्रवक्ता अली बरादोरी जहरूमी ने बताया कि कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। मामले से जुड़े सभी अपडेट्स पर सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। सुप्रीम लीडर खोमेनेई बोले, राष्ट्रपति रईसी के सुरक्षित होने की दुआ करें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खोमेनेई ने राष्ट्रपति के लापता होने के मामले में चिंता जताई है। उन्होंने रईसी की सुरक्षित वापसी की दुआ मांगी। खोमेनेई ने कहा, सभी नागरिक उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करें। किसी भी स्थिति में देश को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी काम अपने तय समय के हिसाब से जारी रहेंगे। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश पर दूसरे देशों की प्रतिक्रिया। इराक अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने कहा है कि हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से क्रैश हुआ। वहीं हादसे को देखते हुए इराक की सरकार ने रईसी के हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए मदद की पेशकश की है। अमेरिका रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबरों के बीच अमेरिका का बयान भी सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के बारे में ईरान से परेशान करने वाली खबर सुनी। चिंता के साथ खुशखबरी का इंतजार कर रहा हूँ कि सब ठीक है। हमारी दुआएं और शुभकामनाएं राष्ट्रपति रईसी और पूरे ईरान के साथ हैं। अजरबैजान राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि मैंने कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति रईसी को दोस्ताना विदाई दी थी। इराक हमारा पड़ोसी होने के साथ साथ एक दोस्त और भाई जैसा है। हम किसी भी तरह से ईरान की मदद के लिए तैयार हैं। ईरान ने राष्ट्रपति को ढूंढने के लिए यूरोपीय यूनियन से मदद मांगी। यूरोपीय यूनियन ने रईसी को ढूंढने में ईरान की मदद के लिए अपना कोपरनिकस सैटेलाइट सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने EU से मदद मांगी थी, जिसके जरिए मैपिंग सर्विस का इस्तेमाल करके क्रैश साइट को लोकेट किया जा सके। कौन है इब्राहिम रईसी? साल 2021 में कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने से पहले भी कई वजहों से इब्राहिम रईसी चर्चाओं में रहे। वे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के करीबी माने जाते हैं। माना जाता है कि वह ही खामनेई के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं। इब्राहिम रईसी पहले ईरानी राष्ट्रपति हैं, जिन पर पदभार संभालने से पहले ही अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है। दरअसल रईसी 1988 में सरकारी वकील थे। वे उन खुफिया ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा थे, जिन्हें दैट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तब उन्होंने 5000 राजनेताओं को देशद्रोही साबित कर दिया था। इन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई थी।
इस घटना के बाद अमेरिका ने रईसी पर बैन लगा दिया था।